हेलो एवरीवन, न्यू लाइट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर रवि उत्तम। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारे प्री डॉक्टर एस पी सिंह सर का स्लोगन, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसके तहत हम लोग 10 का दम सीरीज में नीट टेस्ट 15 के 10 मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट डाउटफुल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर विद NO2, HNO2 कैन नॉट बी ऑब्टेन, इट इज ड्यू टू। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग NO2 की रिएक्शन वाटर से कराएं तो HNO2 हमें नहीं मिलता है, क्या रीजन है? देखो जरा, NO2 हमारा क्या है, मिक्स ऑक्साइड है। मिक्स ऑक्साइड का मतलब ये दो प्रकार के ऑक्सी एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी अगर रिएक्शन करेंगे वाटर से तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे, दो ऑक्सी एसिड मिलेंगे, एक तो HNO3 और HNO2। यहाँ पर N+5 है और यहाँ पर N+3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि ये HNO2 क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है। और ये डिकम्पोज होने का रीज़न क्या है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट है और ये डिकम्पोज हो जाएगा तो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर HNO3+NO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फाइनली हमें ये नहीं मिलता, मिलेगा क्या हमें HNO3 और NO। तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन गेट डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम, और ये एसिडिक मीडियम है ये, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिएक्शन विद बेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड गिव मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट। तो कौन सा इसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो एक से ज़्यादा टाइप के सॉल्ट बना सकता है। तो एक से ज़्यादा टाइप के सॉल्ट बनाने के लिए हमें बेसिसिटी, ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी ऐसी चाहिए जो ऑक्सी एसिड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉली बेसिक होना चाहिए। मतलब बेसिसिटी जो होती है वो वन से ज़्यादा अगर होगी तो वो पॉलीबेसिक कहलाएगा, और पॉलीबेसिक होगा तो ये मोर देन वन सॉल्ट बनाएगा, मोर देन वन। मोर देन वन सॉल्ट बनाएगा। अब यहाँ पर देखो जरा, अगर इसके पेरेंट एसिड की बात करें N2O5 की, तो ये होता है इसका पेरेंट एसिड HNO3 और इसका पेरेंट एसिड HNO2। अब देखो जरा, ये भी मोनोबेसिक एसिड है और ये भी क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। तो बताओ क्या इन दोनों में से कोई भी ऐसा है जो पॉलीबेस, जो मोर देन वन टाइप के सॉल्ट बना सकता है, तो कोई भी नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नन, क्लियर है। एक से ज़्यादा टाइप के सॉल्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर इसके पेरेंट एसिड भी HNO3, बेसिसिटी 1 और इसकी भी बेसिसिटी 1, तो बताओ क्या इनसे एक ही प्रकार का सॉल्ट बन सकता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नन। नेक्स्ट, चलिए, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट आर -3, +3 and +5। ये बात सही है। द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी बात सही है। तो ऐसा कि क्या होता है कि मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटती है, तो इसका रीजन देखो जरा, एक हम अगर लिखें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है,
और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। और इसका रीजन क्या बताएंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। प्लस फाइव की और प्लस थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन ये बताएंगे हम लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन जो माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इसका रीजन क्या होगा तो देखते हैं जरा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर इसमें दो बात करें तो ये होती हैं नॉन मेटल और ये दो मेटलॉइड और ये होती है मेटल। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो मेटैलिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज। और मेटैलिक करैक्टर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना ज़्यादा शो करते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, और नॉन मेटल ज़्यादातर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान दो यहाँ पर मेटैलिक करैक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो बताओ क्या ये माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इसकी कम होगी। तो बताओ ये क्या बात सही है कि माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। और रीजन हम लोग क्या बताएंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो होगा नहीं, क्या साइज इंक्रीज हो रहा है तभी तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और मेटैलिक करैक्टर बढ़ेगा। तो क्या ये बी और सही है और सी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली बी एंड सी थर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट। एमंग वाटर H2S, H2SE और H2TE वन विद हाईएस्ट वोलेटिलिटी, तो हाईएस्ट वोलेटिलिटी कौन सो करता है, तो ध्यान दो तो वोलेटिलिटी डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वोलेटाइल ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो वोलेटाइलिटी ज्यादा होगी। अब ध्यान दो H2O, H2S, H2T H2SE और H2T। अब यहां अगर बात करें H2O, H2S, H2SE और H2T, यहां पर तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कौन सी, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन सब में लगती है वांडरवाल फोर्स। तो यहां पर लगेगा वांडरवाल फोर्स। अब वांडरवाल फोर्स क्या होता है, कमजोर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बताओ यहां पर इसकी वोलेटाइलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, तो इस ये क्या है, लेस वोलेटाइल। अगर यहां बात करें तो मोलर मास क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, तो वांडरवाल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अब वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो बताओ इसकी वोलेटाइलिटी क्या होती जाएगी, कम। तो बताओ यहां पर सबसे कम वोलेटाइल कौन है, सबसे हाइएस्ट वोलेटाइल कौन हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर कौन हो गया, H2S। फिर से देखो जरा, वाटर में इंटरमोलिकुलर, यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये तो सबसे लेस वोलेटाइल। अब इसके बाद अगर देखें यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स यहां पर बढ़ेंगे क्योंकि वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, वांडरवाल फोर्स बढ़ने के साथ वोलेटाइलिटी है कम होती जाएगी, तो बताओ लेस वोलेटाइलिटी कौन हो गया, H2S। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। यहां पर दिया हुआ है स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन, सही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही अनकॉमन है, मतलब बहुत कम पाई जाती हैं, बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन पर ये होती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट टू, द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HF ऑन गोल्ड सर्फेस, मेटल सर्फेस पर HF का डीकम्पोजिशन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर,
तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट गलत हो गया? तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट टू गलत है, तो आंसर कौन हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इन रेफरेंस टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इन रेफरेंस टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, ठीक है, द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम पर रिएक्शन मिक्सचर, गलत, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, व्हिच वन इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ध्यान दो, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। अब अगर देखें यहां पर तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा, तो यहां पर डेल निगेटिव, यहां पर क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव, और यहां पर भी डेल निगेटिव, तो डेल पॉजिटिव यहां पर ज्यादा हो जाएगा, तो इस जगह पॉजिटिव चार्ज करेक्टर ज्यादा है। तो बताओ क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है थोड़ा? तो बताओ क्या ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, हमें कहना है कि कौन सा नॉट इलेक्ट्रोफाइल है। SF4 सेकेंड पीरियड मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? क्या सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसके नीचे वाले एलिमेंट 6 बॉन्ड बना सकते हैं। बताओ क्या यहाँ पर 4 बॉन्ड है, तो ये अभी 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो बताओ क्या ये अभी इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तो ये भी क्या इलेक्ट्रोफाइल है। BeCl2, तो BeCl2 ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4, और ये अभी तक कितने? 2 हैं, तो ये 2 और बना सकता है, तो बताओ क्या ये भी इलेक्ट्रोफाइल है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन का क्या है? डेफिशिएंसी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब देखो जरा आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। अब देखो इसको रीजन समझो, IF7 ये हमने 7 फ्लोरीन बना दिए। अब जब 7 फ्लोरीन बना दिए तो इनके बीच क्या है? स्टेरिक हिंडेंस, स्टेरिक हिंडेंस की वजह से ये कोई स्पीसीज को अपने पास नहीं आने देंगे यहाँ तक, तो बताओ क्या ये यहाँ पर कोई आ सकता है? नहीं, तो बताओ ये क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? नहीं, तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं पहुँच सकता है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज़्यादा हो वो आयोडीन तक नहीं पहुँच पाएगा, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह शो करेगा? नहीं, तो आंसर कौन हो जाएगा? IF7। ठीक है, नेक्स्ट, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? तो ध्यान दो, PbI4, तो यहां पर Pb क्या है? Pb+4 के रूप में, और I यहां पर I- के रूप में है। जब भी किसी कंपाउंड में एक अपने ऑक्सीडेशन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, एक अपने मिनिमम पे हो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ये अपने मिनिमम पे है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या एक साथ रह सकते हैं? नहीं, तो तुरंत क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तुरंत रेडॉक्स इसके साथ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर आयोडीन इज नॉट ए रिएक्टिव मेटल, गलत, Pb4 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, तो कहते क्या बात सही है, और यहाँ पर हो जाएगी रेडॉक्स। क्लियर है, नेक्स्ट, चलो, द फॉलोइंग ग्राफ
सो टी हाफ हाफ लाइफ और यहां पर ए रिएक्टेंट आर चेंजेज विद इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट. यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? ए नॉट. ये हमने इनिशियल कंसंट्रेशन और इधर मैंने वाई एक्सिस पर टी हाफ दिखाया है. अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये वाई पर है, तो मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया, और ये एक्स एक्सिस पर. और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि वाई की पावर वन और एक्स की पावर वन. ठीक है, अब देखो जरा टी हाफ और वन अपान में ए नॉट में क्या रिलेशन होता है. टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन वन अपान में ए नॉट की पावर एन माइनस वन. ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? वाई है और ये पूरा क्या है? एक्स है. तो बताओ एक्स की पावर क्या यहाँ वन होनी चाहिए? तो बताओ यहाँ पर है एन माइनस वन की बराबर क्या कर दें? वन. एन माइनस वन इक्वल टू वन. तो यहाँ से आ गया एन इक्वल टू टू. तो ये क्या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है. ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड. द बॉन्ड एंगल ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप. बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है. इसका रीजन बताना है. 16 तो ये वाटर है, इसके बाद H2S. अब यहां पर जरा बताओ टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा. अब साइज बढ़ने के साथ क्या ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी? अब बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ ये बॉन्ड लेंथ जब ज्यादा हो जाएंगी तो इनके बॉन्ड पेयर रिपल्सन में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी. ये बॉन्ड पेयर में रिपल्सन यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है. तो यहां पर जब बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड. डिक्रीज इन बॉन्ड पेयर रिपल्सन. तो आंसर हो जाएगा सेकेंड. ठीक है, तो अपने 10 क्वेश्चन हो गए. ठीक है, थैंक यू.